इन श्रवणों के भीतर गूंजा ही नहीं तेरी मुरली ध्वनि में घन घोर है जैसा बजाई होगी तुमने मुरली सबको आकर्षित विमोहित करने के लिए प्यारे मेरे कानों में तो वासनाओं का मैल इतना जमा था कि वो आवाज वो तुम्हारा मुरली दाव मुझे सुनाई ही नहीं दिया या तो तुमने धीरे से बजाया होगा या हम तो दोष तुम्हें देंगे देखो प्यारे जब तुम जानते हो कि हम निकम्मे हैं जाहिल हैं असमर्थ है अनअधिकारी है तो ये क्रिया तुम ही क्यों नहीं करते अपनी तरफ से श्रवणों के भीतर गूंजा नहीं तेरी मुरली ध्वनि में घनघोर है कैसा नहीं अमृत पीकर तृप्त हुआ मुख चंद्र तेरे का चकोर है कैसा इस पापी को तारा नहीं अब भी कृष्ण प्यारे इस पापी को तारा नहीं अब भी पतितों के उबार में जोर है कैसा क्यों प्यारे कलयुग आते आते तुम भी ठंडे पड़ गए क्या पतितों के उबार में जोर है कैसा मन माखन मेरा चुराया नहीं मन माखन मेरा चुराया नहीं मन मोहन तू माखन चोर है कैसा मन माखन मेरा ए नवनीता चताज करा ए चोर जा मोहन तू माखन चोर है कैसा यदि मेरे चित्त की चोरी तुम कर लेते तो कोई बात ही नहीं थी फिर तो तुम ही हो
ये विश्व विचित्र बनाते तूने हो। और उसमें भी बहु आकृति योनि स्वभाव बना, तुम्हारी डिजाइनिंग कितनी वंडरफुल है, कोई भी चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता, जितने सूरत उतनी ही सीरत, स्वभाव भी सबके भिन्न भिन्न, और योनियां भी कितनी 84 लाख, सुपर कंप्यूटर भी इसका हिसाब नहीं लगा पाते प्यारे। बहु आकृति योनि स्वभाव बना, लेकिन सम जीवों में फेर कराते तुम ही हो। हर चीज के साथ कसौटी रख दी, प्रेम देव हो, प्रेम की वर्षा करते, या घृणा और नफरत कहां पैदा कर दी तुमने। बहु आकृति योनि स्वभाव बना, समजीवों में भेद कराते तुम ही हो, और जड़ यंत्र से प्राणी विचारे सभी, उन्हें यंत्री समान चलाते तुम ही हो, उन्हें यंत्री समान चलाते तुम ही हो। हमें दोषी बताओ भले ही प्रभु, पर अच्छा बुरा तो बनाते तुम ही हो। जब मेरी गाड़ी गलत दिशा में जा रही थी, तुम खाली आत्मा के रूप में साक्षी भाव से देखते रहे, ब्रेक क्यों नहीं मारा तुमने उस समय है? इस गलत दिशा में जाती ही कार को, इस गाड़ी को रवाना क्यों हमने दिया? ब्रेक मारकर स्टीयरिंग संभाल लेते हैं तो कोई बात ही नहीं बनती प्यारे। दुनिया में महान वही बन जाता, दुनिया में महान वही बन जाता, और जिसे संयम ही बनाते स्वयं, जिसे संयम ही वही पाप की पंक्तिल में धस जाता। बैठे बैठे खेल देखते रहते हो अपने ही सस्ती विलास का, और दोषारोपण खिलौनों के ऊपर करते हो, हमारे मत्थे दोष मरते हो, ये प्यारे अच्छी बात नहीं। देखो तुम्हारे राज की बात जान गए हैं, क्यों अपनी पोल पट्टी खुलवाते हो? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन बना? वैकुंठ के पार्षद ही बने, यानी इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद जहां सब नारायण स्वरूप चतुर्भुज रूपधारी ही होते हैं, इतनी ऊंचाई से पहुंचने के बावजूद भी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, कंस और शिशुपाल कौन बने? वहीं के पार्षद बने। इसलिए जब तुम्हारे ही सस्ती विलास का मैं अंग हूं, अंश हूं, तो प्यारे तुम देते हो शक्ति महान जिसे, दुनिया में महान वही बन जाता, जिसे संयम हीन बनाते स्वयं, वही पाप की पंक्ति में धस जाता। दस कंठ विभीषण बंधु सगे, मत भेद परस्पर नयो तन जाता। सगे भाइयों में भी गला भला कोई बैर होता है, लेकिन प्रेरणा तो अंदर बैठे बैठे तुम देते रहते हो, और दोष भी हमारे ऊपर थोप देते हो।
दश कंठ विभीषण बंधु सगे मत भेद परस्पर नयो तन जाता मत भेद परस्पर नयो तन जाता यदि प्रेरक आप न होते प्रभु पिता पुत्र का शत्रु न यो बन जाता। अंदर बैठे बैठे छेड़छाड़ तो तुम ही करते हो, भला कोई पिता अपने पुत्र को मारने की कोशिश कर सकता है? लेकिन हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद पिता और पुत्र में भी वहां बात बिगाड़ दी। कौन कर रहा है ये सब है? यदि प्रेरक आप न होते प्रभु पिता पुत्र का शत्रु न यो बन जाता। हे गोविंद गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल।